हाँ हाँ श्योर, अभी वैसे भी थोड़ा वो लेक्चर वगैरह निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ आपका क्या नाम है बेटे? रमेश रमेशाली। रमेशाली, अच्छा। बाकी बच्चे किधर हैं? इतने कम बच्चे क्यों आए हुए हैं? कौन कौन बच्चा लास्ट लेक्चर पढ़ के आया? रिमशा पढ़ के आई है? ठीक है, बस मैं पूछ नहीं रही अभी। कौन कौन बच्चा, हैंड रेस करो जो जो पढ़ के आया है लास्ट लेक्चर। बच्चों, सलीम, मिस मरियम, मैम सुनेंगी तो सानिया, नहीं? क्या सुनूंगी? सुनूंगी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस ओके, मैम यस आ रही है। मैम, हाँ यस मैम आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, बख्तावर, आप बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? बख्तावर अशफाक। बख्तावर बेटे, आप बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? बख्तावर अशफाक, किधर हो? सो रही हो? अच्छा, हेरा अमजद बेटे, आप बताओ लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हेरा, यस हेरा लास्ट टाइम क्या पढ़ा था थोड़ा सा बताओ। और बख्तावर किधर है? बख्तावर को मैसेज करोगे? बख्तावर, ओके मैम, हमने लास्ट टाइम ह्यूमन फैक्टर्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई हेल्थ वर्कर होता है, वो जो पेशेंट को ट्रीट करता है, तो मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए, मतलब कोई एरर ना आए उसको, उस वो चीज मतलब देख के उसको ट्रीट करना चाहिए। वेरी गुड। और और मैम जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो इक्विपमेंट जो होती है वो साफ होनी चाहिए ताकि एरर कम से कम है। उसके अलावा मैम हमने एरर्स पढ़े थे, वॉयलेशन नेगलिजेंस पढ़ा था। वेरी मैम जो गुड, एरर होते हैं वो अनइंटेंशनली हो जाता है, जो वेरी गुड, वॉयलेशन होती है वो इंटेंशनली होती है, और जो नेगलिजेंस होता है वो मतलब कोई चीज वो निगलेक्ट हो गया उसे जानबूझ के, मतलब उसका ध्यान नहीं था उस काम में, तो ये नेगलिजेंस हो जाती है। वेरी गुड। बक्तावर, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम हेराम जो थी मैम, क्या हुआ है? मैम हेराम जो थी सुना रही थी, बख्तावर नहीं। ओहो सॉरी, हीरा, क्या नाम था? हीरा अमजद। ओ हीरा, वेरी गुड। तो आपने क्यों सुनाया? मैंने तो बक्तावर से पूछा था। हीरा, मैम आपने मेरा नाम बाद में लिया था हेराम जो, तो फिर मैंने सुनाया था। अच्छा हीरा, वेरी गुड। हीरा सॉरी, वो बख्तावर, सॉरी बख्तावर तो सो रही है, मेरे जेब में से ही निकल गया। बख्तावर कहाँ है? बख्तावर उठी हो? बख्तावर किधर गई हो? ये बख्तावर चलो चली ही गई है यहाँ से, उसने कहा गई आज पता नहीं क्यों मेरी शामत आ गई।
चलो ठीक है बेटा, अब बेटा मैं इधर बैठ के आप देख लेना स्क्रीन, ठीक है कोई क्वेश्चन हो। अच्छा चलो ठीक है, आप जो है ना जी बेटा बताओ। मैम किसी से पूछते हैं, क्लास का कोई ग्रुप है तो हमें लिंक सेंड करते हैं प्लीज, व्हाट्सएप क्या ग्रुप। अगर मैम क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो किसी बच्चे से पूछते हैं, हमें लिंक दे दें, हमने ज्वाइन करना है। आपने ज्वाइन किया तो हुआ है? मैम ये नहीं, क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है वो। अच्छा क्लास का मैम आप व्हाट्सएप के ग्रुप। चैट ओपन कर दें, मैम आप चैट ओपन कर दें तो मैं उसमें सेंड कर देती हूँ। लो मैंने नहीं चैट ओपन करी, तुम लोग आपस में चैट करते रहोगे, मेरी कोई बात ही नहीं सुनेगा। नो नहीं मैम, मैम सिर्फ आप लगने मुझे चैट मैम ओपन ही नहीं करनी आती, शुक्र है मुझे आती नहीं, तब क्या करूं। सेटिंग में जाके पहला वाला बटन है। सेटिंग में जाके मुझे सेटिंग ही नहीं नजर आ रहा। मैं मेल में सेंड कर देता हूँ। हाँ शाबाश, ये ना आपको मैम मेल में। मैम आपसे एक बात करनी थी। हाँ मैम करो आप बात। आज के अलावा क्लास ले रही हैं कोई और फ्राइडे वाले? क्योंकि मैम अभी क्लास जो है उसकी वजह से बहुत इश्यू होते हैं मैम। नहीं बेटा मैं सिर्फ आज ही लेती हूँ, सिर्फ मेरी ट्यूसडे को क्लास होती है, इसके अलावा नहीं है मेरी कोई क्लास। मैम यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी इस इशू के ऊपर फोकस ही नहीं कर रही कि हम लोग दो क्लासेस एक टाइम पे ले रहे हैं। ये बहुत अजीब सा इशू है मैम, हमारी 9 सब्जेक्ट्स है इस दफा, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग बार बार रिकॉर्डिंग सुने और क्लास में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ऐसे रिकॉर्डिंग में मुझे तो लगता है कि जो लाइव ज्यादा अच्छी समझ आती है एज कम्पेयर टू रिकॉर्डिंग, है ना यस मैम। बेटा। मैम चलो आप मैं करूँ, बेटा मैं क्या करूँ, मैंने तो खुद बात की थी। चलो मैं बात करूंगी फिर से, ठीक है? थैंक्स अ लॉट मैम। नहीं वेलकम, नो प्रॉब्लम। अभी पहले मसला तो हल हो जाए फिर थैंक यू कहना, अभी रहें थैंक यू चाहे मसला भी हल हो। अच्छा चलो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर मेडिकेशन एरर्स। मेरी आवाज सही आ रही है ना? अब मैं बैठ के क्लास में, मेरी आवाज सही आ रही है ना सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलो ठीक है, अब मेडिकेशन एरर्स क्या होते हैं? कि बेसिकली मेडिकेशन एरर्स ये होते हैं कि क्या चीजें कि जब कोई दवाई कोई डॉक्टर दवाई प्रेस्क्राइब करता है, अब ये सारे एरर्स जो है ना ये बेसिकली मेडिकेशन से रिलेटेड है, जिस तरह इसके नाम से पता लग रहा है कि या तो डॉक्टर के प्रेस्क्राइबिंग में कोई मसला आ रहा है, या प्रिपेयर या जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ कोई मसला आ रहा है, या डिस्पेंसिंग में मसला आ रहा है, डिस्पेंसिंग यही के जो लोग देते हैं आगे, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब होता है कि देखो जो दवा आप लोगों ने फार्मा पढ़ ली भी है, पढ़ ली है ठीक है। यस यस मैम, मैम। हाँ तो फार्मा में आपको पता है ना कि डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं दवाइयों के। मैम वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम, वेरी गुड। इंट्रावीनस, ओरल, ओरल, रेक्टल, ये सारे वेरी गुड। बड़े भी लाइक बच्चे हैं सारे, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा आप बेसिकली, सब। हाँ ठीक है, इनका भी ये सारे। आप बेसिकली इसमें ये कि या तो एडमिनिस्ट्रेटिंग में कोई इश्यू आया, इंट्रामस्कुलर। हाँ इंट्रामस्कुलर, वेरी गुड, मैंने वैसे इंट्रामस्कुलर बोल दिया था। चलो अच्छा आप एडमिनिस्ट्रिंग में कोई मसला आ रहा है या मॉनिटरिंग में या प्रोवाइडिंग एडवाइस, अच्छा ये सारे हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एरर्स को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि एरर्स ऑफ कमीशन। अब आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज ठीक आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। एक होता है एरर्स ऑफ कमीशन और एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब है कि या तो रॉन्ग डोज दे दिए या रॉन्ग मेडिसिन दे दिए, और ओमिशन का मतलब आपको वैसे भी पता होगा कि किसी चीज को ओमिट कर दिए, ठीक है। तो एरर्स ऑफ ओमिशन में ये है कि या तो जो है सही तरह से कोई चीज ना कोई दवाई देते हुए या प्रिस्क्राइब करते हुए कोई चीज ओमिट हो गई है, कि मतलब जिसकी वजह से या तो राइट डोज लिखना डॉक्टर ने ओमिट कर, या तो वो भूल गया है उसमें एरर है, या ये कि कोई दवाई देते हुए कोई चीज ओमिट हो गई है, तो उसको ओमिशन कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन अभी हम पढ़ते हैं। और एरर्स ऑफ कमीशन क्या है कि गलत डोज दे दी है, गलत मेडिसिन दे दी है, और एरर ऑफ ओमिशन ये है कि कोई चीज ओमिट हो गई है कि या तो राइट डोज लिखना भूल गया है डॉक्टर या ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। अभी हम आगे देखते हैं कि किस तरह हर लेवल पे जो है वो हो सकती है। आप ये चीज याद रखो कि या तो पहले सबसे पहले तो दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं ना डॉक्टर, तो सबसे पहले जो एरर आएगा वो प्रिस्क्राइबिंग में आएगा जो डॉक्टर की तरफ से हो सकता है एरर, ठीक है। अब देखो कि हु इज एट मोर रिस्क। अब पेशेंट्स में से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ज्यादा रिस्क में है, जिनको मतलब जो ज्यादा रिस्क में है मेडिकेशन एरर्स के।
एक तो पहली बात वो वाला पेशेंट जो मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहे हैं, अब ऑब्वियसली ये देखो जो पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशंस ले रहा है, अब देखो आप कोई भी दवाई लेते हो ठीक है, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है, किसी पेशेंट में वो आ जाता है किसी में नहीं आता। लेकिन अब देखो जो पेशेंट ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं या ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं, तो ये ज्यादा चांसेस है कि उसमें एडवर्स इफेक्ट या उसमें जो है साइड इफेक्ट दवाई का ज्यादा है, ठीक है। या उसके अलावा ये है कि ऐसे पेशेंट जिनमें रीनल इम्पेयरमेंट हो, अब रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट्स का क्या होता है कि रीनल ज्यादातर जो मेडिसिन आपने फार्मा में पढ़ा होगा कि ज्यादातर जो ड्रग्स की एक्सक्रीशन होती है वो रीनल या तो रीनल के थ्रू होती है या लिवर के थ्रू है ना। तो आप देखो जिन पेशेंट्स में रीनल इम्पेयरमेंट होगी, ऑब्वियसली देखो उनकी जो मेडिसिन जो कि रीनल, जिनकी रीनल क्लियरेंस होनी थी, उनमें ऑब्वियसली उन दवाइयों की हाफ लाइफ वगैरह में फिर फर्क आ जाएगा। तो इन पेशेंट्स में भी ज्यादा रिस्क है कि इन पेशेंट्स में भी मेडिकेशन एरर आने के ज्यादा रिस्क इस तरह से है कि ऑलरेडी उनको रीनल इम्पेयरमेंट है और आपको एक दवाई की डोज वगैरह ज्यादा दे देते हो, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिस्क में है। या जिस तरह प्रेगनेंसी, आप ये देखो काफी ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में इंडिकेटेड नहीं होती, ठीक है। या फिर ये है कि ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं, एक तो पेशेंट्स हो जो कि मल्टीपल मेडिकेशन पे, एक वो पेशेंट्स जो कि रीनल इम्पेयरमेंट है जिनको, या वो जो प्रेग्नेंट औरतें वो, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट्स कैन नॉट कम्युनिकेट वेल, ऑब्वियसली जो बंदा सही तरह से अपनी जो पेशेंट सही तरह से डॉक्टर को कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेगा, सही तरह से अपने सिम्टम्स या सही तरह से बता ही नहीं सकेगा। हाँ वेरी गुड, हिस्ट्री नहीं प्रॉपरली। ये रिमशा, रिमशा आपका पूरा नाम क्या है? रिमशाली। हाँ आज रिमशाली क्लास लेने आई हुई, मुझे ऐसा लगता है जबकि क्लास लेने आते कि मेरे घर मेहमान आए हुए। अच्छा अब जिस तरह कोई पेशेंट खाना खिलाएंगी बाद में जी, मैम मेहमानों को दावत देते हैं ना, बाद में दावत देंगी लंच पे? मैं दावत दूंगी नहीं, वो मेहमान खिलाए ना मुझे, एक तो मैं पढ़ाऊंगी और दावत भी मैं ही दूं। ओके मैम, मैं समझा था मैं आने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं रहने देते। नहीं तो अगर जो बच्चा यूनिवर्सिटी में है अगर उसने डोजेस लगवाई है तो वो आ सकता है, लाइक ये आपके खुद डिपेंड करता है, आप लोग आ सकते हो, लेकिन बस अपना कार्ड दिखाना है आपने जहाँ हमें दाव की डोजेस लिखी हुई हो, ठीक है। अच्छा आप देखो ऑब्वियसली एक पेशेंट अगर प्रॉपरली हिस्ट्री नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रिस्क है कि उसको गलत मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दे डॉक्टर, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट्स जो है मोर देन वन डॉक्टर, अब ऑब्वियसली अगर पेशेंट के एक से ज्यादा डॉक्टर्स है तो आप जब दूसरे डॉक्टर के पास वो जाते हैं उससे पहले से कोई दवाइयां ले रहे हैं और वो सही तरह से उसे बताते ही नहीं कि मैं पहले इस डॉक्टर के पास गया था, या ये भी हो सकता है सही तरह से बता भी दे तो जो बंदा ज्यादा दवाइयां लेगा ना उसमें ज्यादा रिस्क है कि कोई मेडिकेशन एरर हो सके। और इसके अलावा पेशेंट्स हु डू नॉट टेक एन एक्टिव रोल इन देयर ओन मेडिकेशन यूज, देखो अगर कोई पेशेंट कंप्लायंट नहीं है, अगर उसको एंटीबायोटिक दी है और वो कोर्स पूरा नहीं करता और बीच में ही छोड़ देता है, अब देखो अब ऑब्वियसली ये ज्यादा रिस्क है कि उसको, अब इसमें पेशेंट की अपनी गलती है कि वो सही तरह से कंप्लायंट हो, ठीक है। चिल्ड्रन एंड बेबीज, अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं या जो आप ये देखो कि जो छोटे बच्चों की पैनाडॉल होती है उसमें सीरप के ऊपर लिखा होता है कि इस बच्चे के लिए इतना आपने इतना टीस्पून होगा, इतने बच्चों के लिए इतने इतने ml होगी दवाई, ठीक है। तो उसमें ये है कि या तो डॉक्टर से, जो छोटे बच्चे या बेबीज वगैरह होते हैं तो डॉक्टर से सही तरह उन्होंने सही तरह से उनकी डोज ही नहीं कैलकुलेट की, ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही डोज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है आप कौन कौन ज्यादा रिस्क में, अभी पूछती हूँ जब मैं अगली स्लाइड में जाऊंगी तो ये पूछूंगी, एक तो वो पेशेंट्स जो मल्टीपल मेडिकेशंस में, एक रीनल इम्पेयरमेंट या प्रेगनेंसी वाले, या जो है जो सही तरह से पेशेंट्स खुद ही कम्युनिकेट नहीं करे, या पेशेंट जो है वो सीरियसली अपनी दवाइयां नहीं ले रहा, या फिर ये कि एक पेशेंट के ज्यादा एक से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, या जो बच्चे या जो बेबीज होते हैं उनकी सही तरह से डोज कैलकुलेशन नहीं की, ठीक है। ये सारे हैं जो कि ज्यादा रिस्क में, ठीक है। मैम जी, बेटा जी जी, मैम ये जो डोज कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो हर किसी के लिए नहीं होता कि हम जितनी भी डोज होती है अगर 0.5 होती है तो वो पर केजी के अकॉर्डिंगली निकालते हैं। हाँ लेकिन ये देखो बेटा जिस तरह जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनकी एक फिक्स डोज होती है, जो हम बड़े मतलब बेसिकली आप ये देखो कि ज्यादातर बच्चों में इसलिए ज्यादा रिस्क है कि बच्चों में साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ होती तो सब में है लेकिन ये कि जिस तरह बच्चों के लिए खास है ये कि बच्चे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अगर आप थोड़ी सी भी कोई गलत कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप बच्चों की इम्यूनिटी देखो वैसे स्ट्रांग नहीं होती जिस तरह हम लोगों की स्ट्रांग होगी, लाइक हम लोगों को अगर कोई ज्यादा डोज भी दे देगा तो हमें उस तरह असर नहीं होगा जिस तरह छोटे बच्चों को, बहुत अल्लाह माफ करे, बहुत स्क्वेयर इफेक्ट भी हो सकता है।
ठीक है, आप मुझे कौन बताए, ठीक है कि किसने क्वेश्चन किया था, सॉरी मैंने नाम नहीं देखा। हिरा खान मैम। हिरा, हिरा, यस मैम, हिरा खान, ठीक है हिरा खान, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ये वाले ज्यादा रिस्क, मतलब वो तो ऑब्वियसली अगर आप बड़ों में भी करोगे तो वो आपका एरर है, आपको बिल्कुल सही तरह से कैलकुलेट करनी चाहिए डोज वगैरह। लेकिन वैसे ये लिखा हुआ है कि ये लोग ज्यादा रिस्क में, लाइक बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती तो ज्यादा वो उन लोगों में आते हैं जिनको ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं, कौन बच्चा बताएगा, रुको मैं खुद पूछूंगी, कोई नहीं मैं बताऊं, नहीं 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 मुझे पता आपको आता है। अब बताए साइफा जफर, क्या नाम है, साइफा नाम है, क्या नाम है बेटी? यस मैम, साइफा जफर मैम, मैंने मीटिंग बिल्कुल अभी ज्वाइन की है, मेरा इंटरनेट इश्यू था। अच्छा पहले नहीं सुना? नहीं मैम, मैंने मीटिंग बिल्कुल अभी ज्वाइन की है। चलो ठीक है, आपने सही बहाना बता दिया, अभी उन्होंने सुना भी होगा ना, कहेंगे हमने तो अभी अभी मीटिंग ज्वाइन किया। शांता अकरम बेटे आप बताओ, मैंने भी क्या बताया कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिस्क में ज्यादा है। शांता अकरम यस मैम, हाँ अभी मुझे बताओ, शांता मुझे बताओ मैंने भी क्या बताया कि हु इज एट मोर रिस्क। मैम आपने बताया जिनकी रीनल इम्पेयरमेंट्स वगैरह होंगी तो वो ऑलरेडी रिस्क पे होते हैं, उनकी हो सकती है प्रेगनेंसी वगैरह में हो सकता है, क्योंकि वो फीटस डेवलपमेंट स्टेज में होता है तो उसके रिस्क में हो सकता है। मैम जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस है उनमें भी हो सकते हैं, क्योंकि लिवर उनका ऑलरेडी, क्योंकि साइटोक्रोम P450 तो आपने पढ़ा ही होगा ना, साइटोक्रोम P450 अगर आपने फार्मा पढ़ी है कि सारी ड्रग्स की ज्यादातर वहीं पे मेटाबोलाइज होती है। वेरी गुड, यस मैम, वेरी गुड, अच्छी क्लास है, अच्छे बड़े बड़े। आपका कौन सा सेमेस्टर है, बच्चों को काफी कुछ आते हैं? अच्छा तभी आते तो फिर बन गए हुए हो ना तकरीबन। अच्छा चलो अब उसके बाद है साइड इफेक्ट्स। अब देखो बेसिकली साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि साइड इफेक्ट्स जो है वो मेडिकेशन एरर्स नहीं होते, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि साइड इफेक्ट्स, हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसमें देखो उसका वो बेसिकली आपने उसको मेडिकेशन एरर से कंफ्यूज नहीं करना। हाँ ये देखो अगर कोई डॉक्टर डोज वगैरह गलत दे रहे हैं तो वो एक मेडिकेशन एरर है, लेकिन साइड इफेक्ट्स जो है, हम जिस तरह कहते हैं कि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली प्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये बात तो पता है ना कि साइड इफेक्ट्स और मेडिकेशन एरर्स तो वो है कि या तो डॉक्टर गलत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, या रूट सही नहीं उसने सिलेक्ट किया जो दे रहा है दवाई, या डिस्पेंसिंग वगैरह। मैम मेडिकेशन एरर में तो ह्यूमन एरर आएगा ना, कि मतलब कि किसी इंसान से नहीं गलती होगी, मेडिसिन आएगा कि मेडिसिन कोई काम ठीक से नहीं अगर कर पा रही तो या उसके कोई क्या। ये किसने बताया मुझे ना साथ साथ, सॉरी बेटा नाम भी बता दिया करो ताकि मुझे बताओ कि कौन बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, क्या नाम है? अकदस इकबाल। वेरी गुड, बिल्कुल अकदस ने सही बात की, उसने कहा कि मेडिकेशन एरर जो है वो तो बेसिकली एक ह्यूमन फैक्टर, उसमें ज्यादातर ये है कि बेसिकली मेडिकेशन एरर्स में एक बंदे का कसूर होता है, और साइड इफेक्ट्स ये है कि हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आप ये देखो कि जिस तरह एंटीबायोटिक्स है, एनर्जेटिक्स है, एनसेड्स है, एंटीडिपेसेंट्स है, इनके अपने अपने साइड इफेक्ट्स है। जिस तरह आप अक्सर देखो कि आप पेनाडॉल या पॉन्स्टॉन इस तरह की खा लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत फील होता है कि शायद मेरा पेट थोड़ा खराब हो गया। ठीक है, तो बेसिकली साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि एक मेडिसिन के अपने होते हैं, और जो मेडिकेशन एरर्स होते हैं वो ये होते हैं कि किसी इंसान से गलती होगी हो, या डॉक्टर से, या नर्स से, या कोई भी आगे जो डिस्पेंस करे फार्मासिस्ट से, तो दैट इज मेडिकेशन एरर्स। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हर दवाई के अपने अपने होते हैं। ठीक है, अब एडवर्स रिएक्शंस क्या होते हैं कि आप देखो, अब एडवर्स रिएक्शंस जो है, अब कौन बताएगा कि इनको हम मेडिकेशन एरर्स कहेंगे या नहीं? नो, वेरी गुड, नो मैम, एक्सपेक्टेड रिएक्शन आ जाते हैं। एक्सपेक्टेड रिएक्शन जिस तरह आपने फार्मा में चीज पढ़ी होगी कि जो दवाई का थेराप्यूटिक इफेक्ट है वही उस वही एक्सटेंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है, हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई डायबिटीज का पेशेंट है और वो दवाई खाने के बाद नहीं, मतलब इंसुलिन लगाने के बाद थोड़ी देर नहीं खाता खाना
तो उसकी हाइपो हो जाती है, उसका हाइपो होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें ये है कि बेसिकली जो इंसुलिन का अपना इफेक्ट था वो ही ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सपेक्टेड रिएक्शन है कि मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कैसे हो सकते हैं, और अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स इंटरेक्शन विद अदर ड्रग्स। अब आपने ड्रग ड्रग इंटरेक्शन पढ़ी होंगी जरूर, फार्माकोलॉजी में पढ़ी होंगी ना। Yes, ma'am. कोई ड्रग होती है वो दूसरी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देती है, कोई ड्रग किसी की कम कर देती है बायो अवेलेबिलिटी को, और इस तरह आपने पढ़ा होगा बेसिकली। तो अब ये है कि ये भी एडवर्स रिएक्शन में आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसमें वही पेशेंट्स आएंगे कि जो अपने डॉक्टर को सही तरह से बता ही नहीं रहे कि हम पहले ये वाली दवाई ले रहे थे, अब वो आके डॉक्टर उनको एक और मेडिसिन दे देते हैं जिसका उस मेडिसिन के साथ जो वो पहले ले रहा था कोई इंटरेक्शन है। मैम मैम आदिल रियाज, मैम इसके बीच में ये भी आ जाएगा ना जो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या आएंगे, जीनोम पे भी इफेक्ट पड़ता है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आदिल? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। मुझे फार्माको जीनोमिक्स आपने पढ़ी, वो थोड़ा बहुत आपने नहीं पढ़ी होगी, उसमें बेसिकली आप लोग कभी इंशाल्लाह ताला आगे फार्मा किसी ने डिटेल से पढ़नी हो, उसमें ये होता है कि हर इंसान जो है ना उसके जीन्स पे डिपेंड करता है कि वो किस वाली दवाई से उसको रिएक्शन हो रहा है। और आप ये देखो कि जिस तरह मैं एक पैनाडोल खाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अगर कहीं पेन वगैरह हो रही है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी तरह आप ज्यादातर लोग ये करते हैं कि दो पैनाडोल की गोलियां खाते हैं, वो हर बंदे के जीनोम पे भी डिपेंड करता है। वेरी गुड आदिल ने बहुत आगे बल्कि बेटा आगे जो रिसर्चेज हो रही है ये बेसिकली जीनोमिक्स में ही हो रही है, फार्माको जीनोमिक्स में, कि मतलब जीन्स का क्या इफेक्ट है आपके रिएक्शंस और एडवर्स रिएक्शन वगैरह में। हाँ, और मेडिसिन ले लेके और मेडिसिन की फिर रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर इसकी डोज भी तो बढ़ानी पड़ती है ना। हाँ, ये भी तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ना। मैम ये भी एक फैक्टर हो सकता है ना कि वो और दो पैनाडोल से उसको वो लेना शुरू हो गया और उसी से उसका पेन रिलीफ होता है, तो फिर अगर वो एक लेगा तो उसके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, उसमें ये बेसिकली एक चीज रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अक्सर लोग इतनी मतलब हम लोग ये कहते हैं ना कि आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करें, अगर आपने बीच में छोड़ दी तो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब फिर वो ये होता है कि अगर आप बीच में छोड़ देते हो ना तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली और स्ट्रांग होकर इमर्ज हो जाता है कि आपने। और एक रेजिस्टेंस का हाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह कुछ लोग जो है वो कोई एंटीबायोटिक लिखते हैं और उसको असर ही नहीं होता उनको, ठीक है, लेकिन फिर उनकी एंटीबायोटिक आप चेंज करते हो या आप ये करते हो कि बेसिकली अब जिस तरह जो नई नई एंटीबायोटिक्स आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि वो जो नई आती हैं बेसिकली उनसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उसका यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप और ये बेसिकली यही चीज ये जीनोमिक्स का आगे बहुत ज्यादा मतलब आप आगे यही देखना चाह रहे हैं कि हर बंदा जो है वो डिफरेंट क्यों, उसका एक दवाई के साथ दवाई तो सेम है लेकिन ड्रग सेम है लेकिन उस बंदे का डिफरेंट रिस्पॉन्स है उसके साथ। तो ये चीज अब बहुत ज्यादा आगे रिसर्च इंशाल्लाह इसी पे ही ज्यादा हुआ करेगी कि ऐसा क्या है जीन्स में, ऐसा क्या आता है कि एक बंदा रेजिस्टेंट है उसकी दवाई से और दूसरे पे बहुत अच्छी इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, ये बेसिकली हर एक का अब ये चीज ही होती है। अब ये जीनोमिक्स है ये काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा आदिल जो भी लड़के उससे मतलब स्टूडेंट उससे बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस क्या होते हैं? अच्छा ये तो एक्सपेक्टेड रिएक्शंस हो गए ना कि हम लोग ये देख रहे हैं कि जी एक्सटेंशन ऑफ थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ये तो एक्सपेक्ट भी हम करते हैं कि जो उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो एक्सटेंशन हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस क्या होते हैं? एनाफाइलेक्सिस, एलर्जिक रिएक्शंस, कि जिस तरह अगर आप किसी को कोई दवाई दे रहे हो तो आपको पहली दफा इतना नहीं पता होता कि उसको इससे एलर्जी है, लेकिन जब वो पेशेंट एक दफा ले लेता है तो उसको पता लग जाता है कि इससे मुझे एलर्जी है, तो वो अगली दफा खुद ही डॉक्टर को बता देता है कि मुझे इससे एलर्जी थी, ठीक है। उसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन एरर, अब ये देखो एक इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन मतलब कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन ही गलत देते। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स ही आ गया, अब एक एक करके देखते हैं। इडियोसिंक्रेटिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, अब इसमें ये है कि अननोन कि किसी को कोई दवाई दी है, ठीक है, कोई ड्रग दी है, इडियोसिंक्रेसी का पता है आप लोगों को? बेसिक अनएक्सपेक्टेड, उसमें बेसिकली ये होता है कि आप किसी को कोई नॉर्मल सी दवाई दे रहे हो, ठीक है, और उसमें अजीब सी उस रिएक्शन हो गया उस दवाई का, कि बेसिकली वो अननोन सा है कि मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस बंदे को जी अनएक्सपेक्टेड होता है ये रिएक्शन। के बेसिकली इडियोसिंक्रेसी में ये होता है
क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि एक पेशेंट को ये दवाई देने से जो है इस तरह हो जाएगा और उस पेशेंट को वैसा हो जाएगा, तो दैट इज इडियोसिंक्रेसी कि आपको पता नहीं लग रहा कि एक इंडिविजुअल को इसका रिएक्शन इस। अच्छा आप लोगों की क्लास कितने बजे तक है मैम? 1:45 मैम। मुझे पूछना था कि हर इंसान का डिफरेंट रिएक्शन होता है टुवर्ड्स डिफरेंट मेडिसिन, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है या मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में सेम रिएक्शन होता है? क्या बेटे सॉरी मुझे बताओ, दोबारा से क्वेश्चन करो मुझे आपकी सही तरह से, क्या आप पूछना चाह रही हो पूछो। मैंने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में सेम रिएक्शन होता है मेडिसिन का या हर पर्सन में वेरी करता है? बेटा इसमें ये होता है कि मेजॉरिटी में अब जो साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ठीक है, वो जो दवाइयों के होते हैं वो मेजॉरिटी के लिहाज से ही बने हुए होते हैं। लाइक जिस तरह जो मेजॉरिटी में साइड इफेक्ट्स होंगे ना वही साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हाँ ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ये होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल आप एमोक्सिल की बात कर लो जो कि एंटीबायोटिक है, उसमें ये कि देखो मेजॉरिटी लोग जब एमोक्सिल लेते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमोक्सिल रेजिस्टेंट होते हैं, या वो फॉर एग्जाम्पल मेरी भांजी थी, मेरी भांजी मतलब छोटी है काफी, तो उसको एमोक्सिल दी तो वो मतलब उसको ना रेडनेस होना शुरू होगी उसकी फेस पे। अब ये देखो ये एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है एमोक्सिल का, कि बेसिकली देखो मेजॉरिटी जो असल में साइड इफेक्ट्स जो एक दवाई के बताए जाते हैं वो तो एक जर्नल बताए जाते हैं, लाइक वो एक जर्नल पॉपुलेशन के लिहाज से, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस होते हैं ना ये होते हैं कि आप एक दवाई से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इस तरह का रिएक्ट करेगी, और वो उस पेशेंट में ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो साइड इफेक्ट्स वगैरह आप पढ़ते हो ना वो मेजॉरिटी लोगों को देख के ही बनाए हुए होते हैं। और मैम ये भी तो इसमें आ जाता है ना कि एक बंदा किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है किसी भी मेडिसिन को। हाँ ये हर बंदे की देखो इम्यूनिटी दूसरे से डिफरेंट, आप देखो वैक्सीनेशन की जिस तरह रिमशा कह रही है कि आप ये देखो कि वैक्सीनेशन के भी जो हर बंदे पे डिफरेंट ही असरात है, लाइक किसी को एक हमारी जानने वाली आंटी वो कहती है मैं लगवा के आई तो मुझे ऐसे फील होना शुरू हो गया जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है, और ये वो उसका ये भी रीजन थी कि वो ऑलरेडी मेडिसिन ले रही है ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस बेसिकली वो होते हैं कि आप एक नॉर्मल सी ये इडियोसिंक्रेटिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस लीडिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज क्लियरेंस, अब इसमें ये होता है कि आपने एक दवाई की नॉर्मल डोज दी है एक बंदे को, लेकिन उसमें ऐसा इफेक्ट आना शुरू हो गया कि बहुत ज्यादा डोज वाला आना शुरू हो गया। अब देखो वो इडियोसिंक्रेसी कि हमें उसकी कॉज नहीं पता कि क्या हुआ इस बंदे के अंदर, लेकिन उसको वो एक बंदे उसके आइदर जीनोम के अंदर वो चीज थी या क्या था, लेकिन वो उसमें बहुत ही अजीब सा उस दवाई का रिएक्शन सा शो किया जो कि आम रूटीन में लोग नहीं करते। अब इसमें भी फिर यही बात आ जाती है जीनोम की बात आ जाती है, अब ये अब फर्दर इसमें रिसर्च होने की जरूरत है कि जिस तरह जी हाँ रीनल इशू और उसको ना बताओ कि उसके साथ उसकी क्लियरेंस वगैरह कम हो रही हो, तो ये चीजें भी आ जाती है ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है ठीक है, कि बेसिकली ये तो या डायलिसिस हुआ हो पहले पेशेंट का या उसको कोई रीनल का प्रॉब्लम हो, तो उसमें ये है कि जिस तरह आप ये देखो कि अब उसमें ऑब्वियसली आप देखो एक को पहले से किडनी का इश्यू है तो उसकी क्लियरेंस में होगा ठीक है। अब ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वाले तो हुए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने ज्यादा बंदे ने डोज खा ली तो उसको ये साइड इफेक्ट हो जाएगा या वो, तो और अनएक्सपेक्टेड ये कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो उसको एमोक्सिल दी तो उसको फिर पता लगा कि उसको पता नहीं एलर्जी, अब वो ये होते हैं कि हर बंदे पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ठीक है। लेकिन ये भी एडवर्स रिएक्शन जो है ज्यादातर इसमें ये मेडिकेशन एरर्स में नहीं आते, इसमें बंदे का इतना कसूर नहीं होता ठीक है। An adverse drug event is an injury resulting from medical intervention related to a drug. This includes medication. अच्छा अब जो adverse event है ना ये इसमें जो है इसमें medication errors भी है और adverse drug reactions भी है, allergic reactions and overdoses. ठीक है ये adverse event. अब adverse event और adverse reactions में यही difference है कि adverse event में जो है medication errors आते हैं, लेकिन जो एडवर्स रिएक्शन है वो तो हर दवाई के अपने अपने होंगे, लाइक वो एक्सपेक्टेड भी हम एक्सपेक्ट भी कुछ दवाइयों से करें, जिस तरह कीमोथेरेपी के हमें पता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन पेशेंट्स के हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा या अल्लाह माफ करे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसके, और ये एडवर्स रिएक्शन है साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के, तो वो एक्सपेक्ट। हाँ जी अच्छा अब हम पढ़ते हैं कि मेडिकेशन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं।
अब इसमें हमने थ्री स्टेजेस में बेसिकली ये डिवाइड है, ये तो फोर लिखी हुई है, लेकिन प्रिस्क्राइबिंग में एरर हो सकता है, डिस्पेंसिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग, ये देखते हैं अलग अलग के क्या क्या है, ठीक है। अच्छा अब ये बात समझ आ गई है ना, अब मुझे बताओ कि अब मैं पूछती हूँ, रुको पहले पूछती हूँ, लाइक अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि एडवर्स रिएक्शन में एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड कब कौन बताएगा? मैं बताऊं? ये कौन बोला है? मैं ये होता है कि हमें पहले से हमें पता होता है कि इसमें ये जो इसके रिएक्शंस हो सकते हैं, ये इसके इफेक्ट्स आएंगे, ऐसे मतलब जिस डिजीज के लिए हम दे रहे हैं उस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, ऑलरेडी हमें पता होता है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो वेरी करते हैं, कि यानी कि पेशेंट वेरी करते हैं कि किसी को एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है, किसी को ट्रिम्बलिंग हो सकती है, किसी को कुछ हो सकता है, तो वो उस पे डिपेंड करता होता है कि कैसे है। वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, वो हमें पहले से नहीं पता होते, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते, किसी को नहीं भी होते। वो जब प्रिस्क्राइब करने लगे, एक तो ये कि वो सही तरह से उसकी हिस्ट्री सुने, ठीक है, और ये कि वो उसको पता और उसका अपना क्लिनिकल नॉलेज काफी अच्छा हो कि उसे पता हो किस दवाई, और ये कि पेशेंट से जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो पहले खुद ही पूछे कि आपको किसी चीज से, किसी दवाई से कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, ठीक है, ताकि जब वो प्रिस्क्राइब करे तो उसको पता हो कि इसको ऑलरेडी उस चीज से एलर्जी है तो नहीं ये करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपको पता है कि देखो अगर एक डॉक्टर को ये भी होना चाहिए कि वो जो उसको प्रिस्क्राइब करे एडमिनिस्ट्रेशन रूट वो सही करे, आपको ये पता होगा कि जो आईवी जो इंट्रावीनस हम देते हैं ड्रग्स वगैरह उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है ना, और जो ओरल देते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है। तो ये है कि ये भी एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जब वो प्रिस्क्राइब करे तो इस तरह के पेशेंट को डोज के रूट वगैरह बताए, और ये रिजीम के, और वो जो हमने डोजेज की बात की है कि आप रिजीम का मतलब होता है कि कितने घंटे के बाद आपने दवाई खानी है, तो ये भी डॉक्टर सही तरह से बताए। लाइक एंटीबायोटिक है तो वो या तो दिन में दो दफा देते हैं या तीन दफा, और ये कि पेशेंट को अच्छे तरीके से कन्विंस करे कि आपने ये दवाई 3 या 5 दिन जरूर खानी है और बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि एक तो जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो फिर उनसे भी रब्ता करे जिससे एडमिनिस्टर करनी है ना, लाइक अगर किसी नर्स से करनी है या उसके ऊपर लिख दे कि इस दवाई को आपने आईवी देना है या इस दवाई को आपने इस तरह देना है, ठीक है। उसमें ये है कि उसमें ये गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, या फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इंजेक्शन लगाना है, अगर डॉक्टर ने कहा है वो साथ ही है तो उसको जाके बता दे कि आप इसको इंजेक्शन लगा दें या आईएम लगाना है या सबक्यूटेनियस जो भी उसका रूट हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो गलती, ये सबसे मेन है कि प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर कर रहा हो वो सही तरह से प्रिस्क्राइब करे, ठीक है, पेशेंट से सही तरह से हिस्ट्री ले क्या आपकी क्या क्या आपको एलर्जी तो नहीं है किसी दवाई से ये, और फिर ये कि वो डॉक्टर ये भी डिसाइड सही तरह से करे कि उसका कौन से रूट में उसको दवाई एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या होना चाहिए, और ये कि डोजेस वगैरह भी ठीक थे जिस तरह हमने कहा है कि डोज कैलकुलेट करे, ठीक है। और उसमें ये है कि अगर उसने कहीं और से कुछ लाइक आगे फिर मेंशन भी कर दे कि कौन से रूट से, और पेशेंट को भी बता दे कि आपने इस दवाई या आपने इसकी टैबलेट्स लेनी है या आपने इसका इंजेक्शन लगाना है या वो, ठीक है जी। हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें यही है कि ऑब्वियसली ये इस तरह बहुत मतलब ये भी हो सकता है किसी ने ओरली देनी और इंट्रावीनस दे दे, तो सोचो आईवी इंजेक्शन का तो फौरन असर होता है क्योंकि वो चीज फौरन आपकी ब्लड में जाती है, और बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा उसमें एडवर्स रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये चीज है। तो ये है कि वो उसमें देखो प्रिस्क्राइब करते हुए एक डॉक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सही तरह से प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अच्छा प्रिस्क्राइबिंग एरर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि ये अब जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि ये सबसे सीरियस एरर है मेडिकेशन एरर में, ठीक है,
क्या भी देखो कि फॉर एग्जांपल अगर किसी डॉक्टर को सही तरह से पता ही नहीं लग रहा, उसने अपने पेशेंट को सही तरह से डायग्नोज ही नहीं किया, तो कितना ज्यादा चांस है कि वो बार बार उस पेशेंट को वही दवाइयां देता रहे जो कि गलत है। ठीक है, आप इसमें देखो ये एक डॉक्टर की बहुत बड़ी इसमें गलती आती है। आप इसमें ये कि अगर डॉक्टर जो है उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले उसके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए कि क्या इस ड्रग की इंडिकेशंस है और क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कि किन जगहों पे ये ड्रग नहीं देनी और किन में देनी है। जिस तरह आप ये देखो कि हमने एस्थमा की बात यहाँ पे की थी ना, एस्थमा लास्ट लेक्चर में की थी, जिस तरह देखो एस्थमा में बीटा टू एग्नेस्ट देते हैं, अब एक डॉक्टर जो है वो ये गलती कर दे कि बीटा ब्लॉकर्स लिख दे, अगर प्रेस्क्राइबिंग एरर में तो डॉक्टर ही गलती कर ले, या ये है कि रॉन्ग पेशेंट कि वही जिस तरह हमने प्रेस्क्राइबिंग मतलब ये कि डॉक्टर को सबसे ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए कि एक तो वो सही तरह से डायग्नोज करे और जो वो ड्रग दे रहे हैं एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि इस ड्रग की क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या इसके दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल। एक तो देखो पेशेंट अगर पहले डॉक्टर ने दवाई दी और पेशेंट नहीं उससे हो रहा ठीक, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो उसका कॉज पता करे कि कहीं पेशेंट रेजिस्टेंट तो नहीं है या क्या है, सर दोबारा दोबारा वही दवाइयां ना दे, इस तरह पेशेंट बेचारा खाता रहेगा और उसको साइड इफेक्ट्स वगैरह ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है जितनी ज्यादा आप डोज देंगे। ठीक है, अब उसमें देखो उसमें यही है कि एक तो ये भी गलती आ जाती है कि जिस तरह रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग डोज, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग ड्रग, रॉन्ग बूट, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा ये कि डॉक्टर जो है उसने ध्यान से पेशेंट ने सुना ही ना हो, जिस तरह कोई फीमेल पेशेंट है अगर वो प्रेग्नेंट है और आप उसको दवाइयां ऐसी दे रहे हो जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, आपने पढ़ा ही होगा कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि टेराटोजेनिक होती है काफी दवाइयां। ठीक है, तो उसमें यही चीज ये है कि आप पेशेंट को सही तरह से आप उसको एक तो पहले उसकी सही तरह से हिस्ट्री सुनो कि उसको क्या उसकी मतलब इंडिविजुअल फैक्टर्स अगर डॉक्टर कंसिडर नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तो भी प्रिस्क्राइबिंग एरर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर इनएडिक्वेट नॉलेज हो उसके पास इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का, दूसरा ये कि उसने इंडिविजुअल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया कि उसने ये नहीं देखा कि पेशेंट को एलर्जी है या प्रेगनेंट है या कुछ इस तरह, और तीसरा ये कि डॉक्टर रॉन्ग मतलब उससे ये डॉक्टर की तरफ से इतनी बड़ी गलती आई कि या तो उसने रॉन्ग पेशेंट की जिस तरह वो या रॉन्ग डोज के उसने डोज भी सही नहीं लिखी या सही तरह से उसके रिजीम सही नहीं लिखा कि कब कब डोज देनी है या ड्रग उसने गलत लिख दी है। ठीक है, और दूसरा ये कि इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, अब देखो अगर सही तरह से उसने पेशेंट को या तो बताया भी नहीं है सही तरह से कि उसने कब कब दवाइयाँ लेनी है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी गलती आ सकती है, मैथमेटिकल एरर, तब आप देखो जब डोजेज कैलकुलेशन में अगर मैथमेटिकल एरर आ जाए तो कितना बड़ा ब्लंडर है डॉक्टर की तरफ से। ठीक है, और उसके अलावा ये कि अगर तो आगे वही इनकरेक्ट डेटा एंट्री व्हेन यूजिंग कंप्यूटराइज, आप देखो आप कोई अगर कहीं पे कंप्यूटराइज प्रिस्क्राइबिंग है तो ये कि डॉक्टर से लिखते हुए कोई गलती हो जाए, कोई रॉन्ग उसने डाल दिया हो, कोई गलत दवाई का नाम, जिससे आपको पता है अक्सर दवाइयों के नाम में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, एक जैसे बिल्कुल नाम होते हैं, तो उसमें ये कि या तो उसने दवाई दो दफा लिख दी हो या ये कि उससे कोई चीज ओमिट हो गई हो या कोई गलत नंबर लिख दिया हो, तो ये चीज प्रिस्क्राइबिंग एरर में आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब हर चीज का ख्याल रखते हैं कि आपकी रूट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, जिस तरह टॉपिकली आप टॉप मतलब उसमें यही चीज ही आती है कि बेसिकली आपने हर चीज का ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का भी कि रूट क्या आते हैं और ये। ठीक है, आप मुझे कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा कि क्या प्रिस्क्राइबिंग एरर में क्या क्या आता है, कौन बताएगा, हैंड रेज करो, अब मैं खुद पूछूंगी, बल्कि मैं बताऊं, नहीं राव बताएगा, राव मुइज बताएगा, राव मुइज, राव राव ही नाम है, सही नाम बोल रही हूँ ना मैं, राव मुइज किधर हो, राव मुइज बताओ बेटे, ये मुझे लगता है राव मुइज सो रहा है, राव मुइज इसका कोई फ्रेंड है क्लास में, इसे बताए कि मैं इसे सवाल कर रही हूँ, मैं बता दूं, सलीम मैं बता दूं, नहीं मुझे पता है किन बच्चों को आता है, उनसे नहीं मैंने पूछा, आप वो बच्चे बताएंगे जो सो रहे हैं इस वक्त, उनसे पूछे, अमीरा इरफान बेटे आप बताओ, आज सायरा नहीं आई हुई, आज मुझे उसकी अभी तक आवाज नहीं आई, आज सायरा हसन नहीं आई हुई,
मैम आई भी है क्लास में यार। आज सायरा का इंटरनेट का इशू है, मैंने सायरा बोल। हाँ सायरा क्या कह रही हो? देखा ये सायरा का भी इंटरनेट है। ठीक है सायरा मुझे पता लग गया यहीं पे हूँ मैं। कहाँ पे हो मैम? घर पे ही हो क्लास में। हाँ ठीक है पापा गलती की है। ओहो वो तो मुझे पता आप सारे घर पे ही हो। मैं पूछी थी कि सायरा ऑनलाइन नहीं आएगी। मैम यहीं पे हूँ। अच्छा ठीक है सायरा मुझे तुम्हारी आवाज भी ना आई तो मैंने कहा सायरा चुप कैसे रह सकती है। मैं सोच रही थी अमीरा मैम कहाँ गई है। और बच्चे से सुन रही थी ना इसलिए मैं चुप थी। क्या सुन रही थी? आप किसी और स्टूडेंट से सुन रही थी ना इसलिए मैं चुप थी। नहीं वेरी गुड अच्छी बात है। अमीरा अमीरा कहाँ चली गई है? अमीरा तो मेरे ख्याल से लीव कर दी है। अमीरा चलो जी अमीरा भी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा चलो अरीबा बताएगी। अरीबा आसिम बताएगी। ये जो बच्चे मुझे आंसर थी ना देते इनके मैंने क्लास पार्टिसिपेशन के मैं थोड़े मार्क्स रखूंगी इनको 0 मार्क्स दूंगी। अरीबा आसिम इतना आसान क्वेश्चन है कोई थोड़ा बहुत भी बता दो। मैं कौन सा कह रही हूँ कि एक एक लाइन मैं बता दूं आपको। क्या नाम है आपका? महद महद महमूद। नहीं महद तुम्हें आता है मुझे पता है। इमान जमील बताएगी। इमान जमील ईमान क्या कर रही हो? ऊपर ऊपर ही जाए जा रही हो मेरी बात ना। मैं तुम्हें अनम्यूट तो करो। मैं आपको आज तो अनम्यूट करती हूँ आपका नाम ऊपर चला जाता है फिर करती हूँ फिर ऊपर चला जाता है। अजीब ये क्या है सेटिंग लगाई हुई है तुमने है। ईमान किधर गई हो? ईमान आ गई है। ओहो तुम लोग एक तो तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कराते हो। बच्चा जवाब ही नहीं सही तरह से देता। चलो आगे बढ़ते चलो। नहीं नहीं बेटा जिसको आता है उनसे नहीं पूछा मैंने। नहीं मुझे पता है किस किस को आता है उससे नहीं पूछा मैंने। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये ईमान में या बेटा सर एक सेकंड पेन दो मैं इन बच्चों के नाम नोट करूं जो आंसर नहीं देते मुझे। हाँ अच्छा ये क्या है भला पेशेंट सेफ्टी अभी मुझे किस किस का आंसर नहीं दिया भला। ईमान ने नहीं दिया। ईमान नाम था उसका क्या नाम था? एक अमीरा ने आंसर नहीं दिया एक ईमान ने नहीं दिया और किसने नहीं दिया था वाला? एक राव था समथिंग। हाँ राव ये देखा ये राव का लगता है दुश्मन है इसे फौरन। मैम सैयद मोहम्मद अरशद रजा ने नहीं दिया। नहीं वो तो अरीबा। मैम देख लें इनकी हरकतें देख लें। मैम आपने तो उससे पूछा ही नहीं। नहीं नहीं ईमान ने नहीं दिया अमीरा ने नहीं दिया राव ने नहीं दिया। इन लोगों ने आंसर नहीं दिए इनका मैं नाम नोट कर लिया इनसे मैंने अगली दफा क्लास में दोबारा से पूछूंगी। अगली दफा सोना नहीं है इन लोगों ने क्लास में मैं इनसे दोबारा से पूछूंगी। अच्छा चलो अच्छा अब देखो बेसिकली गलती अब चलो आगे ये लेक्चर हमने खत्म करना है आज ठीक है। अब देखो बेसिकली गलती कहाँ पे होती है कि ये तो लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। अब देखो ये कुछ मेडिकेशन जिस तरह सेरीब्रेक्स है या सेरीब्रिक्स है या सिलेक्सा है। अब ये देखो ये तीनों दवाइयां जो हैं इनके नाम कितने मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों की इंडिकेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। एक एंटी इंफ्लेमेटरी है एक एंटी कॉन्वल्सेंट है और एक एंटी डिप्रेसेंट है। अब देखो डॉक्टर जो है उसके पास उसको चाहिए कि प्रिस्क्राइब करते हुए बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखे कि ये ना बाद में पेशेंट जाके पूछ रहा होगा जी ये कौन सी दवाई है और वो अगला ताकि अगला बंदा गलत दवाई ना दे कुछ ठीक है। उसके अलावा एम्बिगुअस नॉमेनक्लेचर एक तो ये है कि जिस तरह डोज लिखते हुए ये खास ध्यान रखना है कि आप डेसिमल कहाँ पे डाल रहे ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम और 0.1 मिलते जुलते ही लग रहे हैं ठीक है। और दवाइयों के नाम तो बहुत मिलते जुलते होते हैं तो प्रिस्क्राइब करते हुए चीज होनी चाहिए ठीक है। अब रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एरर ठीक है। अब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि एक तो ये कि सबसे पहले तो ये चीज के डॉक्टर का अपना नॉलेज वगैरह बहुत ज्यादा है मतलब उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए ड्रग की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वगैरह का ठीक है। और उसके अलावा ये है एक्सक्यूज मी मैम मेरा नेट खराब था मैंने अभी ठीक किया है। कौन है डिस्कनेक्ट? अमीरा इरफान। अच्छा अमीरा इरफान क्या? यस मैम। अमीरा चलो ठीक है मैं तुमसे भी दोबारा आप सही हो गए ना आप बाद में पूछ सकती हूँ। यस मैम जी मैम पूछ रहे। चलो ठीक है अमीरा मैं भी पूछती हूँ दोबारा से भी थोड़ा सा पढ़ा लूँ ना फिर पूछती हूँ। अच्छा आप उसमें कैसे रिस्क कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आप ये देखो कि सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर का अपना नॉलेज वगैरह अगर ठीक है तो वो तो फिर इंशाल्लाह तो फिर प्रिस्क्राइबिंग एरर कम होंगे।
दूसरी बात ये कि जब वो लिख रहा हो तो उसको क्लियर, थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा सा क्लियरली लिखना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर्स की राइटिंग कहते हैं बहुत गंदी होती है, ठीक है, लेकिन ये कि आप एटलीस्ट जो दवाइयों के नाम एक जैसे हैं वो दवाई इस तरह लिखो कि जो देने वाला हो उसको पता हो कि ये, और ये कि अगर अगर तो देखो डॉक्टर का अपना क्लिनिक है और वहां पे साथ ही फार्मेसी वगैरह है या किसी जो नर्स आती है, तो डॉक्टर थोड़ी सी ये अगर कर ले के बाहर आके नर्स को बता दे कि जी इनको आपने आईवी देना है, और ये तो इससे देखो इससे एरर के चांसेस और कम हो जाएंगे, या फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट को बुला के बता दे कि नहीं ये दवाई देनी है, ठीक है। अब ये है कि इसमें यही है कि डॉक्टर पे सारा डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, और ये कि उसको ये चीज भी देखनी चाहिए कि डोज वो सही तरह से लिखे कि क्लियरली समझ आए कि क्या लिखा हुआ है उसने, 100 mg लिखा हुआ है या मैंने आपको बताया जिस तरह डेसिमल्स वगैरह सही करे, और इसके अलावा ये कि पेशेंट्स को भी थोड़ा सा बताए कि ये देखें कि ये मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स वगैरह का भी बताएं कि इससे ये हो सकता है, जिस तरह अगर किसी दवाई से डायरिया या इस तरह नौजिया वगैरह होता है तो पहले बताएं ताकि जब वो पेशेंट ले तो वो घबरा ना जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और ये कि इसके अलावा ये उसको पूरी उसके पास गाइडलाइंस हो कि मैंने कितना कितनी कितनी डोज दे दी है और क्या क्या इंडिकेशन है दवाइयों की, ठीक है, तो फिर प्रिस्क्राइबिंग एरर वगैरह कम होंगे, ठीक है। अब उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो अब इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह एक तो ऑब्टेनिंग द मेडिकेशन रेडी टू यूज फॉर्म में इन्वॉल्व काउंटिंग कैलकुलेटिंग लेबलिंग और प्रिपेयरिंग, अच्छा चरण चक्कर एट ऑल स्टेजेस ऑफ मेडिकेशन मेनी ऑफ द इंसिडेंट्स रिलेटेड टू दैट। अच्छा अब ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी कि आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक तो रूट इसमें आ जाता है, ठीक है, दूसरा ये कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कैलकुलेशन या जिससे एक तो रूट आ जाता है ना कि एक तो पहले बंदा जिसने दवाई देनी है वो सही रूट सिलेक्ट वो जो लिखा हुआ है रूट वो ही फॉलो करे, ठीक है, कि अगर कोई आईवी लिखी है आईवी दे, आईएम लिखी है आईएम दे वो, और ये कि ओरली अगर टैबलेट्स लिखी है तो उसको टैबलेट्स दे, ठीक है। अब एक तो ये चीज भी आ जाती है टॉपिकली जेल वगैरह लिखे तो जेल दे, उसके अलावा ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आईवी लिखती है और आगे डॉक्टर प्रिस्क्राइबर ने डोज वगैरह नहीं लिखी तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसने करनी है उसको चाहिए कि वो सही तरह से कैलकुलेशन वगैरह करके करे, ठीक है। और ये कि बेसिकली अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में यही चीज याद आती है कि जो एडमिनिस्टर करे एक तो रूट वगैरह वो ठीक करे और कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल ठीक करके दे, अगर फॉर एग्जांपल प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर है उसने सिर्फ लिख दिया दवाई का नाम और ये नहीं लिखा और रूट लिख दिया, लेकिन ये उसको पता हो जो एडमिनिस्टर जिसने करना है कि उसने किस रूट से देनी है और क्या डोजेज वगैरह कैलकुलेट वगैरह वो ठीक करे, ठीक है। अब पॉजिस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर, अब उसमें ये है कि सबसे पहली कॉज तो ये हो सकती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर में कि जो प्रिस्क्राइब जिस तरह हमने बात की है कि उसने सही तरह से प्रिस्क्रिप्शन ही ना लिखी हो या उसने कैलकुलेशन या तो प्रिस्क्राइबर ने अगर कैलकुलेशन की है तो उसके कैलकुलेशन क्या ये कोई बच्चा क्या बोला है बीच में मैम किसी का माइक खुला हुआ था हाँ लगता है उसे छत से लॉन्ग लगाई है पता नहीं अजीब सी आवाज आई अच्छा अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन एरर में ये भी हो सकता है कि जो बंदा लगा रहा हो अब उसे नॉलेज ही ना हो फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि अक्सर लोग आप जाते हो तो मतलब अक्सर लोग इंजेक्शन जो है वो सही मतलब उसे सारा बताओ कि किस तरह उसे लगानी है या अक्सर लोग जिस तरह आप ये देखते हो कि अक्सर नर्सेज वगैरह बहुत जोर का इंजेक्शन लगाती है लाइक उनको सही तरह से या तो वो लोकेशन ठीक नहीं सही मतलब सही जगह पे नहीं लगाती या क्या या जिस तरह हर इंजेक्शन लगाने की भी ना एक वो डायरेक्शन होती है तो सही डायरेक्शन बोलो हाँ वेरी गुड बिल्कुल कि ये है कि जिस तरह जो लगा रहा है उसको सारा पता होना चाहिए कि उसने कहाँ लगानी है कि कोई ये ना लगाते हुए कोई नर्व डैमेज करते कोई गलत ठीक है अब उसमें ये अब इसमें ये चीज आ जाती है कि या तो लगाने वाले के पास नॉलेज ही नहीं है या ये वो थका हुआ है या खुद थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है किसी और चीज से ऑब्वियसली जब वो डिस्ट्रैक्ट होगा तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है वो सही तरह से नहीं लगाएगा अच्छा अब उसके अलावा एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं इससे एसोसिएटेड रिस्क क्या हो सकते हैं कि इनकरेक्ट डोजेज कैलकुलेशन कि ड्रग हाँ और एक फॉर एग्जाम्पल उसने कोई लगाते हुए कोई वही अगर सही तरह से नहीं लिखी हुई ड्रग तो उसने कोई और ड्रग वगैरह कर लिया है कोई और ड्रग जो है वो लेके उसको लगा दिया तो वो कितनी बड़ी उसकी गलती है या ये कि जो उसने आईवी रूट या किसी रूट से जो भी देना है उसमें उसमें जो कैलकुलेशन उससे कोई गलती होगी
ठीक है, या फिर ये है कि बेसिकली उसने सही तरह से कैलकुलेट ही नहीं की, तो या उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ही, ये इंजेक्शन जो है वो उसे नया नहीं, उसके इस तरह की चीजें आ सकती हैं, ठीक है, या सही तरह से प्रिपेयर ही नहीं किया उसको एडमिनिस्टर करने से पहले। अच्छा, अब इस केस में हम कैसे कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि आप जो सारा स्टाफ है ना जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है मेडिसिन, ये है कि अगर वो लोग टीम वर्क में काम करें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह दो तीन लोग, जिस तरह एक पूरी टीम उन्होंने बनाई हो, कोई भी पेशेंट आए वो देखें और वो सारे मिल के उस पर काम करेंगे, कहें कि अच्छा इसको इस रूट पे देना है और ये डोजेज कैलकुलेशन है इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि जो इस तरह ये होगा कि अगर देखो कोई अगर मुश्किल से भी कैलकुलेशन आ गया तो सारे जो है वो मिलके जब करेंगे तो ऑब्वियसली गलती के चांसेस कम होंगे, या बंदा साथ वाले से कहे कि देखो ये मैंने किया है कैलकुलेशन, ये ठीक है या नहीं, इस तरह करके, ठीक है। इस तरह जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करोगे तो ऑब्वियसली रिस्क कम हो जाता है कि गलती होने का, ठीक है। और इसके अलावा ये कि ओमिशन एरर जो है वो कम होने चाहिए। ओमिशन एरर यही ना कि कोई चीज ओमिट ना कर दे, लाइक जिस तरह अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन में चीजें लिखी है तो सारी चीजें ध्यान से देखेंगे क्या डोजेज है, क्या उसमें कितना मतलब उसमें कितना उसको डाइल्यूट करना है या क्या, वो सारी चीजें देखें, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि यही चीजें कि उसको पता हो कि क्या इंडिकेशंस हैं, क्या रिस्क है और क्या जो वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वगैरह हैं, ये उसको भी पता होना चाहिए जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। अब 5 आर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइक राइट ड्रग और राइट रूट और राइट टाइम, राइट डोज और राइट पेशेंट, अगर ये सारे फॉलो होंगे तो ऑब्वियसली फिर कोई मेडिकेशन एरर नहीं होगा। अच्छा, मॉनिटरिंग, अब देखो अब इसमें मॉनिटरिंग का यही है कि आप ये मॉनिटरिंग में यही चीज आ जाती है कि आप देखो जो मेडिकेशन वगैरह दे रहे हो इससे कोई पेशेंट को एलर्जी तो नहीं हो रही, या वो पेशेंट को हार्म तो नहीं करी, आपने सही तरह से डोज वगैरह जो दी है उससे कोई पेशेंट को मतलब इस तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा जिससे जो उसके लिए नुकसान दे हो, ठीक है। अब हाउ कैन मॉनिटरिंग गो रॉन्ग, अब ये देखो लैक ऑफ मॉनिटरिंग फॉर साइड इफेक्ट्स ड्रग, अब देखो इसमें वही चीज जिस तरह अभी रिमशा ने भी ये बात बताई थी कि अगर आप कोई ड्रग वगैरह दे रहे हो और उसका असर ही नहीं हो रहा पेशेंट को, तो ये नहीं कि फिर अगर वो मतलब उसने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया और फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो ये नहीं आप दोबारा से वही दवाई दे दो, ठीक है। या ये है कि जिस तरह एंटीबायोटिक्स की हमने बात की है कि अगर कोई पेशेंट है वो एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स ही नहीं करता, बीच में छोड़ देता है, तो इससे उसके लिए मतलब इससे उसके लिए खुद की मुश्किल पैदा होंगी। या फिर ये है कि पेशेंट जब आया है दोबारा से तो आपने उससे पूछा ही नहीं कि आपने पहले सही तरह से दवाइयां खाई, अब उसमें बेसिकली सबसे ज्यादा ये चीज आ जाती है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि पेशेंट सही तरह से या तो डॉक्टर की बात ना उससे सुनी हो या ये कि उसे सही तरह से फॉलो ना की हो, ठीक है, इसमें ये चीज भी हो सकती है। अच्छा, अब ये देखो कि अब ये ऐसी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से स्टाफ ज्यादा चांसेस है कि वो मेडिकेशन एरर करे। सबसे पहले तो इनएक्सपीरियंस सबसे बड़ी रीजन है कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही नहीं है, एक्सपीरियंस स्टाफ ही नहीं है, तो उनसे ऑब्वियसली होए 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 किसी को लगता है डांट पड़ी है बीच में, ये कौन बोला है बीच में, या रशिंग के फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर जो है उसका एक वक्त में वो दो दो पेशेंट चेक कर रहा है, ठीक है, या जिस तरह स्टाफ है वो काफी ज्यादा बिजी है, उसके पास बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए हैं तो वो जान छोड़ मतलब वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो उसमें भी ये ज्यादा चांसेस है कि उससे एरर हो जाए या डोज कैलकुलेशन में या ये के लगाने वगैरह में, या ये कि एक इंसान जिस तरह बहुत ज्यादा बोर हो रहा हो बैठा हुआ, वो फटीग्ड हो थक गया हो, या ये कि वो एक ही जिस तरह एक एक बैठी हुई है नर्स वो आईवी लगा रही है पेशेंट्स को, तो वो ऑटोमेटिकली अगली दफा पेशेंट है तो फिर से उसका आईवी लगा दे जबकि उसका लिखा हुआ होगा इसका आईवी नहीं आईएम दे दे। वेरी गुड, बिल्कुल, जिस तरह हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं उनमें इतने पेशेंट्स होते हैं और उसमें मेडिकेशन एरर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मैं बताऊं, क्योंकि वहां पे सारे लोग बस यही कर रहे होते हैं कि कैसे, और ये टीम वर्क वगैरह अगर अच्छा ना हो, ठीक है, हाँ इवन वहां पे ड्रग के सॉरी ब्लड सैंपल्स वगैरह में भी मिक्सिंग हो जाती है, बिल्कुल। अच्छा, हाउ कैन वर्क प्लेस डिजाइन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकेशन एरर, अब ये देखो कि इसमें बेसिकली ये है कि ये आप देखो अगर एक वर्क प्लेस पे ये चीज नहीं लिखी गई कि जिस तरह आप ये देखो कि एक वर्क प्लेस पे उन्होंने एक एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं रखे हुए, ठीक है, या ये है कि उन लोगों ने अपने जो उनसे पुरानी गलतियां उनसे कुछ भी नहीं सीखा हुआ, या ये है कि जिस तरह मेमोरी एड्स, जिस तरह हमने पहले कहा था कि अगर कोई जिस तरह मेमोरी एड्स जिस तरह का होता है कि कोई चार्ट वगैरह बना के अगर किसी वर्क प्लेस पे लगी हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर के लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी कि वो जब कोई प्रिस्क्राइब वगैरह करे तो वर्क प्लेस जो है वो बेसिकली
वर्क प्लेस से भी तो फर्क पड़ता है कि वहाँ का माहौल किस तरह का है, वहाँ के लोग टीम वर्क किस तरह का है डॉक्टर्स का, और ये कि जिस तरह अगर किसी वर्क प्लेस पे उनसे पहले कोई गलती होगी वो उससे ना कुछ लर्न करें और चेंजेस वगैरह ना करें तो फिर वो भी मेडिकेशन एरर्स कॉज कर सकते हैं. ठीक है. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि एबॉर्शन का क्या आप कह रही हो. बिल्कुल उसमें ये है कि देखो ये आप अच्छे इसलिए लोग फिर कोशिश करते हैं कि जाएं अच्छे डॉक्टर्स के पास उठे, क्योंकि ये है कि जहाँ पे एक दफा नेग्लिजेंस हुई होती है ना पता नहीं वहाँ पे चांसेस ज्यादा ही होते हैं कि दोबारा से भी, क्योंकि लोग अपनी गलतियों से जिस तरह हम लोग भी हम अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं. हाँ बिल्कुल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, बिल्कुल लोगों को इतना मतलब लोगों में अवेयरनेस वगैरह भी नहीं है ये चीज है. अच्छा अब उसमें जनरल गाइडलाइंस ये हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये करो कि जेनेरिक नेम यूज करें, ठीक है, आप एक डॉक्टर्स के लिए है कि वो जेनेरिक नेम यूज करें बेसिकली ड्रग का, और उसके अलावा ये है कि वो ये करें कि मैं हिस्ट्री बहुत सही तरह से ले पेशेंट की ताकि वो आगे प्रिस्क्राइब भी करने लगे तो उन्हें पता हो, उन्हें ड्रग की इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता हो. ठीक है, वो ये करें कि एक एक डॉक्टर जो है उसको ये, और ये नहीं जब आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है तो एक दफा दोबारा से चेक करें कि मतलब मैंने सही तरह से लिखा है और मैंने सही तरह से, या फॉर एग्जांपल कोई अगर एडमिनिस्टर कर रहा है ड्रग को तो वो भी सही तरह से चेक करे कि मतलब मैंने सही रूट लिए है, सही डोजेज कैलकुलेशन की है. ठीक है, थोड़ा सा विजिलेंट है अगर सारे तो फिर गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दफा सुनूंगी बाकी. ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम सुन लो पहले. जी बेटा yes, मैम. मैम टोटल लेक्चर कितने होंगे हमारे? बेटा मेरे ख्याल से 11 है, 10-11 है शायद. जी मैम ठीक है, थैंक यू. ठीक है, वेलकम. ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, समझ आ गई है ना मेडिकेशन एरर्स की. नेक्स्ट क्लास में पूछ लूं किसी से भी. यस मैम. यस मैम. नो मैम. मैम इसका कोई मिड वगैरह तो नहीं होगा ना? इसका मैं देखती हूँ, इसका फाइनल ही होगा. आप लोगों का पहले फाइनल फाइनल सुना हुआ इसका. हाँ एक ही फाइनल, लेकिन मैं शायद सोचूं कि क्लास पार्टिसिपेशन के थोड़े से मार्क्स रख दूं, लाइक 5% रख दूं कुछ इस तरह. ओके मैम रख लें. मैम पर yes, अगर जो बच्चे अगर एक टाइम पे दो क्लासेस लेते हैं उनका क्या होगा अगर जिनके क्लैश है? वो तो बेचारे बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो हाफ कभी आपके सुनती हूँ कभी दूसरी टीचर के सुनती हूँ, दोनों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी करती हूँ. तो बेटा वो मैंने उनको कहा था कि वो बेशक ऑल्टरनेट क्लासेस ले रहे हैं. यस मैम सुन नहीं रहे हम लोग स्टूडेंट्स हैं. मिस हाफ क्लास ये वाली, हाफ फर्स्ट हाफ में वो वाली, सेकंड हाफ में ये वाली. उधर कौन ले रहा है? मिस फाइका. मिस फाइका फाइका. यस मैम. अच्छा फाइका ले रही है. हाँ फाइका. अच्छा हाँ मुझे याद आ गई. अच्छा नहीं तो बेटा फिर यही है कि बस वो मैंने तो कहा था कि वो लोग कह रहे थे कि अल्टरनेट क्लासेस ले लें या चलो वो मुझे अपना नाम बता देना ना, मैं फिर उनको थोड़ा सा मतलब देख लूंगी कि क्या करना उनका. यस मैम मैंने मेल भेजी थी आप सबको कंपाइल करके मेल, आपको भी मैम फाइका को भी और सर को भी, लेकिन सर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था. कौन से सर ने? सॉरी मैम कायनात ने. सर अफनान ने तो यही कहा था कि आप लोग खुद ही मैनेज करें, ये हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, आपके टीचर्स कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं. आपका नाम महनूर है ना? महनूर रहमान. यस मैम. यस मैम ठीक है आपकी क्लास. चलो कोई बात नहीं बेटा. मिस मेरा भी सेम क्लैश है. अक्सा तबस्सुम का. जी मिस. मैम बहुत सारे बच्चे हैं. मिस ऐसी ठीक रहता है कि फर्स्ट हाफ में वो ले लें, सेकंड हाफ में ये भी पता चल जाता है ना कि मतलब क्या पढ़ाया आपने भी, उनका भी पता चल जाता है. अगर अल्टरनेट लेंगे फिर तो पूरा पूरा ही मिस हो जाएगा कि पता ही नहीं होगा कि लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है. और फिर अटेंडेंस का भी थोड़ा सा इशू आएगा क्योंकि मैंने रिपोर्ट से अटेंडेंस लगानी होती है, फिर आप लोग बिल्कुल नहीं आए. मुझे वैसे साथ में उस फाइका से भी पूछ लूंगी, अक्सा और महनूर जो है वो आपकी क्लास में है. जी मिस ठीक है. ओके मैम थैंक यू.
अल्लाह हाफिज़ मैम। बस ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ मैम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह।